औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हैदर विलाद मुहूर्त नहीं, एक नवी वीडियो खेन के जी तुसना दोस्त और तुसना बिरा इश्तियाक हैदर बिरामनी खिदमत इजाजत है। दोस्तों अज नी जेड़ी वीडियो जी ये बड़ी एक स्पेशल जी वीडियो, एक बड़ा स्पेशल जहाँ पुर्जा खेन के आए हैं जमींदार बिरा जड़े हैं उन्हें एक रायपर बाइंडर नहीं, अच्छे रायपर बाइंडर की जरूरत है। तो इस हवाले नाल है कि असी अज पुर्जा खेन के आए हैं ABS ना पुर्जा इंडियन है। तो इसनी वीडियो पूरी शेयर करसा दोस्तों ना ए भाई इन्होंने गल करें जी, इन्हों को सारी तफसील पूछसा केड़ी कंपनी नी मशीन है। तो वीडियो पूरी अगे शेयर करने तो पहले रिक्वेस्ट ये करसा कि जेड़ा मेरा चैनल है हैदर विलाग नूरत इसा सब्सक्राइब करो और वीडियो दोस्तों ना ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर करनी। वीडियो पसंद आवे तो वीडियो लाइक कर देना और वीडियो पूरी वेखनी इंशाल्लाह वीडियो ना मज़ा आसी। और नाल एक और जी गल है कि जी ये जेड़ा रैपर बाइंडर है ये भी इंशाल्लाह पसंद आसी। तो हुण गल सारी करेने हैं जी इस बाइंडर ने हवाले ना। जी भाई जान अपना जरा तारुफ कराओ ना। जी नुमान अहमद चीमा जी, चीमा जरी इंडस्ट्री मंदरा मंदरा। अच्छा भाई जान ये जेड़ा तुसा ना ये रैपर बाइंडर है जी ये केड़े मुल्क ना ये सारी इसकी पूरी तफसील जरा इसकी। सर ABS फ्रंट रिपर बाइंडर इंडिया। अच्छा इंडिया तो इंपोर्ट होया है जी। ठीक है। और ये 100% टेस्टेबल कामयाब मशीन है जी। ठीक है। उस तो बाद पिछले साल असा इंपोर्ट किए ने और अल्हम्दुलिल्लाह असा ये जिन्होंने रिपर बाइंडर चलाए ने। अच्छा। चलाने तो बाद इहदा रिजल्ट चेक किया और कस्टमर फार्मर ने इंतहाई इन्हें पसंद किया जी। ठीक है। सब तो मेन चीज ये सर ये जेड़ा ना तुहाडे पटा सिस्टम आ गया। अच्छा। अगर फर्ज करो तुहाडी गिली गंदम या कोई और मसला मसाइल है तो ये जेड़ा ना गंदम फसन नहीं लगे। उस तो बाद सर ये सब तो मेन जी इंपोर्टेंट चीज है यदा बाइंडर सिस्टम होंगे जरा बैड से मुश्तमिल होंगे जी जी। ए सर जो बैड है ये लोहे का बने है, सिल्वर डिलाई या कास्टिंग वगैरह ये अंदर इस्तेमाल नहीं हुई। ये खुदा न खासा थोड़ी कोई पिन निकलन की वजह तो किसी वजह तो अगर ये जमीन पर लगता है तो ये टुटन के खतरे तो महफूज है। अच्छा। ठीक है। उस तो अलावा ये अलहमदुल्ला असी दे रहे हैं और मुकम्मल गरंटी के नाल दे रहे हैं, नकाबले वापसी दे रहे हैं। अगर कोई मसला मसायल हो साड़ी मुकम्मल टीम जाकर टेस्ट करेगी, अगर फिर भी कस्टमर दे पसंद नहीं आता तो असं इस चीज़ को रिकवर भी करके रिप्लेसमेंट करके दे रहे हैं। अच्छा ठीक है। और ये केड़ी कंपनी ना इंडिया ना बना हुआ केड़ी कंपनी? इंडिया फ्रंट रिपर बाइंडर ABS कंपनी इंडिया। ABS कंपनी। अच्छा ठीक हो गया। अच्छा भाई जान इसनी जेड़ी चौड़ाई है जेड़ी कटाई नहीं चौड़ाई है वो तुसी दसो बे इसकी टोटल लेंथ? टोटल ब्लेड दी है 92 इंच 92 इंच लेंथ है टोटल। अच्छा जी ठीक है। तो इसकी कटाई जड़ी जड़ी दूसरे राइपर एन आम सिंपल उस तो कटाई यानी कि थलो नीवी करे सी या के उस तो हाइड्रोलिक सिस्टम फिटिंग दे नाल तुसी जमीन दे उत्ते जितना चाहना चाहो या थले रखना चाहो बराबर तक। अगर जमीन तो तुसी 1.5 इंच तक भी कटाई 3 इंच तक भी कराना चाहो तो कटाई करा सकते हैं। अच्छा। जिस तरह आम एक किसान हाथ नाल कटाई करता है उत्थों तुहाडी कटाई मुकम्मल करे। और इसने जेड़ा बाइंडर है नाटर वगैरह या पूरा सिस्टम है इसी को सिल्वर ने पार्ट 7 या मुकम्मल लोहा नहीं? इसे जितना भी मेन जरा बेड मुश्तमिल है और टोटल लोहे का बने हैं। उस तो बाद कलेक्टर सिस्टम भी यह भी लोहे का लग गया। ठीक है। जरा ड्रम आ जाता है थोड़ा कास्टिंग मटीरियल ले जाता है। ठीक है। उस अलावा तकरीबन 90% जो पार्ट्स ने लोहे की कास्टिंग में लोहे च आ रहे हैं। और इसनी जो बेल्ट वगैरह ने है इस कोई टुटन ने या इस किस्म ने इसकी कितनी वारंटी इसकी कितनी है? इसकी वारंटी तो मुराद जो चैन सिस्टम होता है चैन सिस्टम की लाइफ सिर्फ एक सीजन है। एक सीजन तो बाद कोई भी चैन मोटरसाइकिल किसी चीज का तुम्हें पता चल के लम्मा हो जाए ढिला हो जाए पट्टे की लाइफ बहुत ज्यादा है। ये 5 साल 8 साल तक पट्टा इस्तेमाल इजीली कर सकते हो चला सकते हो। अच्छा। पट्टे ना बेहतरीन जरा सिस्टम होता है ज्यादा कि कस्टमर ने पट्टा ही डिमांड कर रहे उन्होंने पट्टा ही लगे। ठीक है। और इसकी कटाई जड़ी ये छोटी जड़ी गंदम है वो भी कटाई इसनी अच्छी इसनी हो सकती? छोटी गंदम इतनी होनी चाहिए कि जरा उसका सिट्टा है तुम्हारा इस पट्टे तक आना चाहिए। पट्टे तो थले आसी तो फिर जहरी गल है इनू अगे खड़े थोड़ी दुश्वारी पेश आई लेकिन तकरीबन ज्यादा ज्यादा थोड़ा अगर इत तक 1.5-2 फुट तक भी कर देते ईजीली कटाई कर सकते क्योंकि 3 पट्टे लगने ईजीली कटाई इसे गंदम फसने ना जी है गरारियां ने सही फसने ना कोई इशू नहीं चैन सिस्टम है गंदम फस सकती है गिली वगैरह पट्टे की गंदम फसने का बहुत घट चांस है। अच्छा जेड़ा बयान ये तुसा ना नाटर वाला सिस्टम है इसने जेड़ा थले बेड है इसे क्या चैन है या करारी सिस्टम है? नहीं सर इस थले जेड़ा बेड लग गया उदे थले गरारी सिस्टम है चैन सिस्टम नहीं है। अच्छा। गरारी दे नाल गरारी अटैच हुई है चैन जेड़ा होंदा चैन लै जांदा सो मसला मसाइल होंदा गरारी नाल गरारी लगी है और ये इंतहाई अच्छी गरारी है तुहाडी तकरीबन लाइफ टाइम गरारी चलने वाली। अच्छा इसे मुकम्मल गरारियां ना सेट है कोई चैन वाली लवने वाला सिस्टम नहीं है टोटल गरारी दा सेट लग गया जी। ठीक है। मुकम्मल गरारी दा सेट लग गया टोटल। इस जगह इंडिया जो ग्रीनलैंड कंपनी की मशीन आती है वो पट्टी जगह चैन सिस्टम लग गया सिल्वर का बैड है
नाले ओदे काफ़ी प्रॉब्लम आ रही हैं। ABS कंपनी एक ऐसी है जी इंडिया भी काफ़ी सालों तो काम कर रहे हैं और एक मेयारी कंपनी है वह माल असं इंपोर्ट किया। अच्छा इसकी पूरी जी फिटिंग है भी नाल यानी भाई इंडिया तो मुकम्मल हाइड्रोलिक फिटिंग जेनवन नाल आएगी वो तो नाल मिलेगी जरा जिम्मेदार कस्टमर भाई साढ़े को परचेज करेगा उन्होंने असी फिटिंग करके देंगे उस आफ्टर सेल सर्विस भी असी प्रोवाइड करांगे। अच्छा अगर कोई मशीन प्रॉब्लम आ जाती है कटाई के दौरान कस्टमर साढ़े रबता करेगा साड़ी टीम रिजू करेगी जी ठीक खुदा न खास्ता अलहमदुल्ला साड़ी टेस्टेबल कमयाब मशीन है कोई प्रॉब्लम फिर भी ये रह जाता है मशीन ठीक नहीं होंगी असी वो कस्टमर नू रिप्लेस भी करके मशीन दे हां। अच्छा और असी 100% मुतमिन ना इतनी बड़ी गारंटी दे रहे हैं जी ठीक है जी। पार्ट्स नहीं मुकम्मल मतलब गारंटी असी आग सकने हैं कि ये मशीन 4-5 साल ऐसा कोई कुछ कोई भी इशू नहीं कोई अलावा ये साढ़े को जेनवन स्पेयर पार्ट इंपोर्टेड भी मौजूद है जरा अच्छा। नाल मंगवाया देसी स्पेयर पार्ट भी निकालने किसी कस्टमर को जरूरत पेगा जेनवन स्पेयर पार्ट भी मिलेगा जी ठीक है। अच्छा भाईजान ये तो पिछला मॉडल है पिछले साल ना ही है तो इसे क्या फ्रेश पीस भी तुसा को मौजूद है जी साढ़े को फ्रेश पीस थानू इंशाल्लाह मिलेंगे स्टॉक दस्तियाब ने। अच्छा मशीन यूजेबल है चली मशीन है जी जी वैसे भाई स्टॉक है जरा कस्टमर भाई नु चाहिए होगी फ्रेश पीस मिले और गुजारिश है कस्टमर नाल जिम्मेदार लोगों ये मशीन ABS फ्रंट इंडिया बाइंडर यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं इंडिया का पेज देख सकते हैं ग्रीनलैंड कंपनी नहीं है ग्रीनलैंड ने प्राइस भी घट है और मशीन और थोड़े जो नाकस मटीरियल नहीं बने जी ठीक है। अच्छा इसकी भाईजान कीमत कितनी है होना इसनी जी इस टाइम कीमत चाह रही जी 13.5 लाख रुपया। अच्छा 13.5 लाख कोई कमी पेशी को खसूसी प्यार मोहब्बत कोई बंदा अगर सीढ़ी वसात ना आना वैसे तो फाइनल 13.5 बकाया मौके की मुनासबत अगर कोई बंदा आ जाए चलो तो असं लैस वगैरह इंशाल्लाह कोई अच्छा, मसला नहीं। अपना अपना नंबर बोलो ना जी 0333-716-0708 फोर्थ कोई नंबर कोई नंबर है 0300-88-38-570 जी ठीक है। इस मशीन तो अलावा तुसों को और केड़े केड़ी चीजां जेडियां तुसी इत्थे सेल करने पे एग्रीकल्चर एम्प्लीमेंट्स हर किस्म दा साडे कोल दस्तयाब है वीट थ्रेशर ट्राली कल्टीवेटर रूटावेटर डिस्क है थ्रेशर थ्रेशर के थोना बना थ्रेशर जी साडे कोल नेशनल कंपनी फैसलाबाद सुप्रीम कंपनी और उस दा आज ना की रेट चलना पे थ्रेशर ना नेशनल ना जरा आज ना रेट सर चलदा पे 9,10,000 9,10,000 रुपए। अच्छा की साइज की है उसना 4.5 फुट 4.5 फुट जी ठीक जी। दोस्तों मैं ही पुटला विखाया जी ते यकीन करो कि मैं आपे बड़ा पसंद आया ते इंशाल्लाह इंशाल्लाह ई मेरा यकीन है मेरा इतफाकिया ई इत्थे चक्कर लगा जी और यकीन करो कि वाकई बहुत बड़ा मज़ा आया क्योंकि जड़ियाँ इत्थे सिड़कों भी मशीन बननियाँ पियान उन्हों तो बहुत ही अच्छी मशीन और पायदार मशीन है जितनी आख सकने हैं कि ई पायदार इस तो अच्छी मशीन जी अगे फ्रंट रैपर बाइंडर जी उन्हें वेखी तो हूँ इतने तुसा विराह मंगना जी इजाजत वीडियो पसंद आवे तो लाइक करना और दोस्तों ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर भी करना जी वीडियो। अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान जिंदाबाद।